तो ये मेरी जो क्लास है आज की, ये उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की है, जो उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य की है। मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 6 जो है पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, और कुछ मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं उसके संबंध में। और आज मैंने पूरा टोटल यूनिट नंबर 6 का लिया है, टोटल लिया है। तो यहाँ आपके सामने पहला प्रश्न है समाज कार्य शोध से, कि समाज कार्य शोध किस प्रकार की खोज करता है? क्या वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करेगा? बिल्कुल सत्य है ये। सेवार्थी की अच्छी प्रकार से सेवा प्रदान करेगा? बिल्कुल ये अच्छी बात है कि भाई सेवार्थी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप वर्क हो, चाहे कम्युनिटी वर्क हो, चाहे केश वर्क हो, इसकी तो मदद ही कर रहे हो आप लोग, तो जाहिर सी बात है ये भी सही हो जाएगा। संख्यात्मक तथ्यों का संकलन भी होता है, ये भी सही होगा। और मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का किसी बच्चे ने गलत जवाब नहीं दिया है। वेरी गुड, सभी लोगों का जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी, शाबाश। इसी तरीके से आप सभी लोग क्वेश्चन करें। आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। प्रश्न को सिर्फ इसके शब्दों को समझना है, शब्द टफ नहीं है, इसका संधि विच्छेद कर दो तनुजा मैम। जैसे मात्रात्मक शोध है, इसमें किस प्रकार का तर्क पद्धति का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए ये बेसिकली है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये बेसिकली है आपका फैक्ट पे प्रश्न है। किस पे है? फैक्ट पे प्रश्न है। और ये जो फैक्ट पर प्रश्न है ना, मात्रात्मक शोध किस प्रकार के तर्क पर बात करता है? तो परिणात्मक, परिणात्मक तर्क पर ये बात करता है। तो इसलिए आपका ये ध्यान रखें हमेशा, ये परिणाम वगैरह, निष्कर्ष वगैरह, सामान्य से निष्कर्ष की ओर जाता है, तो जाहिर सी बात है तो निष्कर्ष पर बात करेगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए, समाज कार्य के शोध में उद्देश्य उन प्रश्न के उत्तर खोजना होता है जो समाज कार्य व्यवहार में हस्तक्षेप और उपचार को प्रभावित कर रहा हो। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, शोधकर्ता के द्वारा यह जानकारी मिलती है कि कौन सा हस्तक्षेप या अथवा उपचार या समाज कार्य के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा, और कौन सी ऐसी क्रियाविधि जो बाधा बन रही है। तो जब आप परिणामात्मक तर्क निकालते हैं, परिमाणात्मक, तो यह आपका सीधा सीधा बताता है मात्रात्मक शोध, इसी तर्क पर यह बात करता है। यह फैक्ट से प्रश्न था, इसे ध्यान रखिएगा, परिमाणात्मक तर्क। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रश्न है एक किताब के बारे में पूछ लिया गया, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। मैं किताबों पर भी बता रहा हूँ आप लोगों के, क्लासेस 10-10 मिनट की बना रहा हूँ, उसे भी आप लोग देखा करें थोड़ा सा। लेकिन शोध में एक किताब आई थी, शोध के संदर्भ में, द रोमांस ऑफ रिसर्च। अब ये रोमांस वाली बात मत समझना कि रोमांस से संबंधित क्वेश्चन, ये रिसर्च का था, रिसर्च। इस किताब में केवल रिसर्च के बारे में बात की गई थी, केवल रिसर्च के बारे में बात की थी। और ये ध्यान रखना, इस विद्वान का नाम, ये भी विद्वान बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है ये किताब, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ अगर आप जाते हैं, रेमंड एंड मोरी, मोरी नहीं, बेसिकली कहीं कहीं मोरी लिखा जाता है, कहीं मुर्रे लिखा होता है, ठीक है, रेडमैन मुर्रे, तो ये बेसिकली नाम फेमस है, ध्यान रखिएगा। शोध के संदर्भ में द रोमांस ऑफ रिसर्च की एक किताब लिखी थी, और ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अच्छी किताब है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब कभी संख्यात्मक तथ्य होता है, वहां पर निगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब ये प्रश्न संख्या पे नहीं था, ठीक है, सॉरी, जब कभी आपका अगर प्रयोग होगा संख्यात्मक तथ्यों की संकला संकल्प उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उस कॉन्सेप्ट को जाने के लिए निगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा निगमनात्मक तर्कना की। और जब आप ध्यान रखेगा मात्रात्मक में होगा, तो मात्रात्मक में बेसिकली सर्वेक्षण होता है, साक्षात्कार होता है, प्रेक्षण होता है, रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीजें डाली जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा था तर्क पद्धति पे, इसलिए आपका परिणामात्मक तर्क होगा। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे रेमंड एंड मुर्रे का द रोमांस ऑफ रिसर्च की किताब याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आगे बात करते हैं, अवलोकित सामग्री का संभावित साधारणीकरण सत्यापन। देखिए, हालांकि अगर आपको पता है तो बता दीजिए, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं कि यह आपको सीधा परिभाषा से प्रश्न बनेगा, ठीक है, मैंने ऐसे डाल रखा ताकि आपका पता चले कि भाई क्या होता है रिसर्च, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संभावित का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, साधारणीकरण का मतलब होता है सैंपल एक प्रकार से, सत्यापन करना करता है, और पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है शोध के संदर्भ में ये किस विद्वान ने परिभाषा दिया है, ये आपके आपके सामने प्रश्न है, है ये परिभाषा से प्रश्न पूछ लिया था, अच्छा प्रश्न है, और आप लोगों को बता भी सकते हैं। जरा मुझे एक बार बताएं, कन्फर्म करें किसका नाम आता है यहाँ पर, लुंडबर्ग का नाम आता है, किसका नाम आता है, लुंडबर्ग का नाम आता है। देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न से हम शोध करते हैं, और उसी को हम लोग शोध बोलते हैं। तो नवीन प्रतिक्रिया के रूप में आ रही है, तो अवलोकित सामग्री का संभावित होना, साधारणीकरण,
सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति के रूप में देखा जाता है, तो ये एक प्रकार से रिसर्च बता देता है। और रिसर्च की ऐसी परिभाषा देने वाला ऑप्शन में आपका लुंडबर्ग का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अन्वेषण ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है, ये किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, ये भी एक प्रकार से परिभाषा है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसके परिपेक्ष में बताया गया है समाजकारी शोध की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब यहाँ पर होगा, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, सी ए मोजर का नाम आएगा, मोजर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है कि इन्होंने कहा था कि सामाजिक शोध अनुसंधान को स्पष्ट करते हुए बोला था कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यवस्थित अवश्य जो है एक प्रकार से गन्वेषण कह सकते हो या अवेषण कह सकते हो, उसी को हम लोग सामाजिक शोध कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रतिक्रिया में आपका नाम आता है सी ए कोजर का नाम। आगे बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान का कारण बताइए जरा। सामाजिक अनुसंधान, अनुसंधान मतलब वही है, सीधा सीधा अनुसंधान लिखे या शोध लिखे, ठीक है, तो उसी का मीनिंग निकलता है। जरा बताएं मुझे कारण क्या हो सकता है इसका। एक तो ये कारण हो सकता है कि नए तथ्यों के बजाय पुराने तथ्यों का सत्यापन करना, बात तो ठीक है। दूसरी बात करता हूँ कि सामाजिक समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, ये भी बात ठीक है। वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर कार्य कारण संबंध को स्थापन करना, ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे सही जवाब भी आ रहा है राफिया मैडम का, सोहन सर का भी, तनुजा मैडम का। इसी तरीके से प्रश्न को पढ़कर आप करेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि ये फैक्ट वाले क्वेश्चन को याद नहीं होते होंगे आप लोगों को, कोई बात नहीं, कॉपी पेन साथ में रखें, बस कीवर्ड्स को लिखिए और सीधा आप वहाँ पे आगे नाम लिख दीजिए। इतने सारे समाज कार्य से मैं फैक्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। किस विद्वान ने कहा है कि समाज कार्य की प्रकृति को 4 आधारभूत वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये 7 का अगर करेक्ट जवाब है आपका कोई, तो रीड का नाम है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये 4 हैं कौन कौन से, है ना? फिर तो जानना ये भी जरूरी है कि रीड महोदय ने जो चीज़ें बोली है वो कौन कौन से। बेसिकली ये शोध की प्रकृति में प्रमाणिक आधार पर वर्गीकृत किया था इन्होंने, ठीक है, किसके आधार पर किया था? प्रमाणित आधार पर वर्गीकृत किया था। और प्रमाणित आधार पर जब इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था तो उनका 4 ये चीज़ बता देते। पहला तो ये बोला था, इन्होंने कहा था कि व्यक्ति परिवार और छोटे समूह के व्यवहार और उनके व्यक्तित्व की समस्या के बारे में देखेंगे। ये पहली बात बोला था उसने कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समूह हो, चाहे समुदाय हो, इसके बारे में देखेंगे। दूसरी बात इन्होंने बोला, इन्होंने दूसरी बात ये कहा कि सामाजिक संगठन में समुदाय को सामाजिक नीति का अध्ययन करेंगे। मतलब अब देखिए, पहले वाले में केस वर्क रख लीजिए, बस केवल केस वर्क रख लीजिए। दूसरे वाले में रख लीजिए आप लोग समुदाय को, ठीक है, समुदाय। अच्छा, अगर कोई परिवार आता, परिवार भी एक यूनिट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। लेकिन आप ट्रिक बना लो, परिवार जैसे समूह में, तो भाई 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, तो समूह होगा। तो आप यहाँ पे कह लीजिए एकल परिवार या छोटा परिवार, किस में आ जाएगा? पहले वाले में आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? समुदाय आ जाएगा। तो आपका ये तीन प्रणाली कंप्लीट हो गई, मतलब प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तीसरा उन्होंने ये था कि जो जानकारी मिली है आपको, उन जानकारियों का उपयोग करिए और अंतिम परिणाम तक जाइए, अंतिम परिणाम तक जाना। तो ये समाज कार्य की प्रकृति बताती है, ये बात कहते हैं रीड, कि भाई हम जब कभी जानकारी हमें मिल जाती है तो हम उसके परिणाम तक चले जाते हैं। ये तीसरी बात बताया था इन्होंने। चौथी बात एक और बताया था इन्होंने, इन्होंने कहा कि मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड होता मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति पर शोध करना, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग करना, इस तरीके की कार्यविधि जो बताती है समाज कार्य शोध की प्रकृति बता देती है। ये 4 टाइप का था, तो आपको मैंने 4 नाम भी बता दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, गार्टन, देखो ऑप्शन नंबर बी में था आपका गार्टन। बेसिकली गार्टन का जो नाम आता है, इसने अपने विचार पर दिया था कि समस्याओं जो होती हैं उनको समस्याओं को समाधान करना है, फिर उन व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, ऐसा एक प्रकार का स्टेटमेंट था, इनका विचार था, ठीक है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें जो है सी ए कोजर का नाम, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पी वी यंग वगैरह ये आएंगे, अभी स्टेप में आएंगे, समाज कार्य के चरण में इनका नाम आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, कि शोध की प्रकृति पर गार्डन महोदय का विचार, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? अब देखिए 4 चीज़ें मैंने बताया है आपको। अब देखो गार्डन महोदय के बारे में,
अच्छा गार्टन महोदय यहाँ पे है, नाम इनका नहीं है, रीड का नहीं है, गार्टन का नाम है। देखो इनका विचार क्या क्या चीज़ें थी इस पे थोड़ा सा आप लोग ना ध्यान रखिए। सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, मैं बता रहा था ना अभी आपको कि उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, तो ये पहला तो तय है कि ये पहला तो पहला होगा ही होगा। सिद्धांतों का सामान्यीकरण भी करना, यानी सिद्धांत मतलब जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है ना, उसका जनरलाइजेशन करना, ये भी उसी का विचार था। और उत्तम परिणाम की चेष्टा करता है ये गार्टन महोदय, ये भी इसका था। और उपरोक्त तो सभी, यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा डी वाला, ठीक है, यहाँ पे डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो गार्टन महोदय जो उनका विचार था ये पॉजिटिव था, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। कौन सा विद्वान था जो समाज कार्य शोध के क्षेत्र में या समाज कार्य शोध से संबंधित था, वो विद्वान का नाम बताना है। लेकिन समाज कार्य शोध, देखो अब समाज कार्य शोध में क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 के बारे में बात करें तो आप सोचते होंगे यार ये तो स्टैटिक्स का है, कार्ल पियर्सन स्टैटिक्स का है ना, और पी वी यंग तो कन्फर्म है, इसमें कोई दोरा नहीं है सोहन जी, पी वी यंग तो कन्फर्म है कि ये तो है समाज कार्य शोध के क्षेत्र में भी है, चरण में भी है, इसका नाम तो कन्फर्म है। लेकिन आप सोचिए जरा, सहसंबंध जो गुणांक आप पढ़ते हैं, कोरिलेशन जो आप पढ़ते हैं कोरिलेशन, तो कोरिलेशन में ही एक आता है स्पीयरमैन का नाम भी, जिसने श्रेणी वर्गीकरण के रूप में बात किया था, श्रेणी सहसंबंध के बारे में बात किया था स्पीयरमैन, उसका भी नाम आता है, और कार्ल पियर्सन का भी नाम। जब सांख्यिकी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, और सांख्यिकी यूज़ कहाँ होती है, समाज कार्य शोध में यूज़ होती है, तो इसलिए आप कहेंगे कि कार्ल पियर्सन भी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी भी हैं, तो देखिए आप सभी की तरफ ना जाएँ, सभी की तरफ चले जाएंगे तो ए बी तो ऑलरेडी आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सभी गलत हो जाएगा, यहाँ पर आप सी को लगाएं, ठीक है, क्योंकि ऊपर के दोनों ही लोगों का नाम पूछ रहा था यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देखिए स्लूटर, यहाँ पर देखिए स्लूटर ने समाज कार्य शोध के कितने चरण, अभी हालांकि मैंने आपको बताया है पीएचडी करके, पीएचडी कैग करके बताया था आप लोगों को, प्रॉब्लम हाइपोथेसिस डिज़ाइन, और उसके बाद कलेक्शन, उसके बाद आपका ए से एनालिसिस और जी से जनरलाइजेशन, और उसके बाद फिर मैंने आर बता दिया था जो है एक प्रकार से रिपोर्ट कर दिया था यहाँ पर, है ना, इस चीज़ों को मैंने बता चुका हूँ, तो ये तो आपको ईजिली याद है, आप जानते भी हैं इनके बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये इन्होंने कुल टोटल 15 चरण बताए थे। सी आर कोठारी के बारे में अगर हम बात करें, सी आर कोठारी ने कुल टोटल जो डिवाइड किया था वो बांटा था 11 टाइप में, यानी 11 चरण में डिवाइड किया था, और इसने जो बांटा था वो बांटा था 15 चरण में, ठीक है। मैं आपको इसके नाम बता देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, अगर आप नोट कर रहे हैं तो स्पीड से नोट भी बना लेना। पहला था विश्लेषण का विवेचन करना इनका, दूसरा जो चरण इन्होंने बताया था कि कहा था कि आंकड़ों को प्रस्तुत करना, तीसरा इन्होंने जो बताया था, देखो इसको याद मुझे याद नहीं होता, मैं बताऊँ कैसे याद करता हूँ, पहले विश्लेषण होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हम उसको प्रस्तुत करेंगे, कहीं पर रखेंगे आंकड़ों को, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ रखेंगे वहाँ पर टिप्पणी होगी, वहाँ पर टिप्पणी होगी, ये तीसरा बन जाएगा, और फिर उसके बाद वो टिप्पणी होगी किस पर, जब टिप्पणी होगी तो हम करेंगे क्या, टिप्पणी तो आप कर देंगे किसी चीज़, कमेंट तो कर दिया, फिर मैं अपने शैली को विकसित करूँगा। ये याद करने का तरीका नहीं, ये सिर्फ आप एक दूसरे से रिलेट करते करते अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर आपने शैली का विकास किया, तो जब शैली का विकास हो गया आपके अंदर, तो जाहिर सी बात है आप क्या कर दोगे, शोध विषय का चयन कर दोगे, फिर शोध विषय का आप चयन कर दोगे, ठीक है, ये स्लूटर का नाम आता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, समस्याओं को समझने की बात करेंगे, समस्या को समझना, विषय का चयन हुआ तो फिर समस्या को समझना, फिर उसके बाद संदर्भ ग्रंथ की सूची का निर्माण, मतलब आप वहाँ पर क्या करेंगे, सूची का निर्माण करेंगे, मतलब भाई समस्याएं हैं कौन कौन सी, जब आपने सर्वेक्षण कर लिया तो भाई कौन, आप देखते होंगे किताबों के नीचे संदर्भ ग्रंथ, तो संदर्भ ग्रंथ में क्या देखते होंगे, विद्वानों के नाम लिखे होते होंगे, उनकी किताब का नाम लिखा होता है, ये सारी चीज़ें लिखा होता है, तो जब हमने सर्वेक्षण किया तो फिर तो हम इसको बनाना पड़ेगा ना, हमें कौन कौन लोग थे, कौन कौन सी किताबें आई, क्या क्या चीज़ थी, तो फिर तो हमें बनाना पड़ेगा सूची निर्माण करना पड़ेगा फिर तो हमें, तो इसलिए आप कह सकते हो संदर्भ ग्रंथ की सूची भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, परिभाषा करेंगे, समस्या को परिभाषित कर देंगे, फिर उसके बाद हम विभेदीकरण करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रमाणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम उसका संबंध निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आंकड़ों का प्रमाण बनाएंगे, ठीक है, आंकड़ों का प्रमाण करेंगे, फिर प्रमाणों की उपलब्धता का अनुमान लगाएंगे, प्रमाण का हमने क्या लगाया, अनुमान लगाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, समस्या की जांच कर ली, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सूचनाओं का आकलन कर लिया, ठीक है, आकलन कर लीजिए या संकलन कर लीजिए, संकलन सबसे बेटर रहेगा, आकलन की बजाय अगर संकलन करेंगे ना तो सबसे बेटर रहेगा, कलेक्शन करना,
फिर उसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है उसको व्यवस्थित करना या विश्लेषण करना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये 15 स्टेप इसके हो गए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 की बात करता हूँ, सीआर कोठारी शोध की प्रक्रिया में कितने चरण बताए हैं, तो 11 बताया, अभी मैंने आपको बताया भी है। निदर्शन का प्रारूप बताया, प्रोजेक्ट बताया, फिर शोध समस्या का निर्माण बताया, फिर हाइपोथेसिस बताया है, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस का निर्माण बताया। पहले परीक्षण था, फिर उसके बाद निर्माण था इसका, ध्यान रखिए। कोठारी ने पहले परीक्षण किया था, फिर निर्माण हुआ था। और पहले परीक्षण होता ही है हाइपोथेसिस की, ऐसे थोड़ी होता कि हाइपोथेसिस पहले बना देते हो, ये गलत हो जाएगा ऐसे कंडीशन पर, ठीक है। तो ये था इग्नू के द्वारा जो बताया गया है। इग्नू ने क्या बोला है, इग्नू के बारे में हम बात करें, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात करें, मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बात करें, तो वो भी कहता है पहले समस्या का परिभाषित कर लो भैया, फिर उसके बाद प्रकाशित कर लो, फिर उसके बाद इकाई को तय कर लीजिए अपने, फिर विधि और तकनीकी का प्रयोग करिए, फिर उसके बाद आप शोध का मानवीकरण कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कहता है मार्गदर्शन दीजिए, फिर उसके बाद कहता है एकत्र कर लीजिए सारी जितनी जानकारियां हैं, फिर उसके बाद कहता है विश्लेषण करिए, फिर उसके बाद रिपोर्ट लिख दीजिए। ये इग्नू बोलता है, हालांकि इग्नू ग्रस नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर बाय द वे बन जाए तो ऐसी प्रतिक्रियाओं को आपको बता देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने ये है कि राम आहूजा ने शोध के कौन से चरण पर चर्चा किया है। अब राम आहूजा के बारे में बता देता हूँ, इन्होंने कुल टोटल 6 चरण बताए थे, कितने चरण, 6 चरण बताए थे, 6। अब आपको बता देता हूँ, पहले ध्यान रखो, अध्ययन की समस्या का निर्धारण करना था उनका, दूसरा था निर्देशन की योजना बनाना, तीसरा था आंकड़ों का विश्लेषण करना, चौथा था उनका शोध का प्रारूप तय करना, पांचवा था आंकड़ों का संकलन करना, छठा था प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये 6 थे इनके चरण। तो यहाँ पर देखिए, शोध प्रारूप का तय करना, निर्देशन की योजना, समस्या का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगभग यहाँ पे दीपा जी ने सही जवाब भी दिया है, ठीक है, ऐसे प्रश्न को हमें करना पड़ता है। आगे अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रथम चरण में शामिल है, कौन सा तत्व जो है प्रथम चरण में शामिल है। अब देखिए, चरण तो ऐसे भी कई होते हैं। अब आप ध्यान सुनिए मेरी बात को, तो जब भी आपसे पूछा जाए तत्वों के बारे में, एलिमेंट के बारे में, तो वैसे मैं बताऊं 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। अब इन 8 चरणों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी आप लोग जान लीजिए ताकि आपके काम आए। तो देखिए, जो प्रथम चरण था वो शोध की समस्या को एक गहन और व्यापक रूप से समझना था, विश्लेषण का दृष्टिकोण था। ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है भाई, प्रथम चरण में। अगर द्वितीय चरण की अगर बारे में हम बात करें, तो ये बेसिकली साहित्य समीक्षा को बताता है, द्वितीय चरण साहित्य समीक्षा को बताता है। तृतीय चरण के बारे में बात अगर हम करें, तो शोधकर्ता यहाँ पर जो होता है वास्तविक उद्देश्य क्या होता है ये जानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर प्रक्रिया को निर्भर रहती है। तो आप कह सकते हो कि तथ्यों को संकलित करना, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तथ्य का संकलित करना। चौथा जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस का व्यक्त करना, हाइपोथेसिस को व्यक्त करना, ये हो जाएगा आपका कौन सा नंबर, ये हो जाएगा चौथा। पांचवें नंबर की अगर बात करें, तो निदर्शन होता है, निदर्शन का मतलब क्या होता है, सैंपलिंग होता है, ठीक है, पांचवा हो जाएगा। छठा क्या होता है, सामग्री को जो है एकत्र करना है और उसके बाद उसकी व्याख्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एकत्र भी करिए और फिर उसके बाद व्याख्या भी करिए, बात एक ही मानिए, जैसे केस स्टडी हो गया, अवलोकन हो गया, जीवन इतिवृत्ति हो गया, इन सभी विधियों का हम प्रयोग, रूल नियम वगैरह सब इसका प्रयोग करते हैं। सातवां अगर आपका होगा, तो आंकड़ों का जब आप संकलित कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उपकरणों का प्रयोग करेंगे, प्रविधियों का प्रयोग करेंगे, तकनीकी का प्रयोग करेंगे, तो ये सातवां हो जाएगा। और एक आठवां था, लास्ट था, तो आठवें में क्या था, विश्लेषण कर दीजिए, रिपोर्ट लिख दीजिए, बस हो गया रिपोर्ट लिखना, तो ये आपका हो जाएगा नंबर 8 का, ठीक है। तो इस चीज़ का आप तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा शोध समस्या का प्रकार है। अब शोध समस्या का प्रकार हमें जानना है, टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हालांकि अगर हम देखा जाए शोध समस्याओं के प्रकार में, तो एक तो हम गुणात्मक तरीके से भी समस्या को निकाल लेते हैं, एक मात्रात्मक तरीके से भी निकाल लेते हैं, है ना, कई टाइप से। लेकिन अनुसंधान समस्या को स्पष्ट रूप से एक कथन के रूप में देखा जाए तो भी एक प्रकार बन जाता है, और पूर्ण कार्यकर्ता के द्वारा किया गया अनुसंधान भी देख लिया जाता है। विकल्पों की भूमिका, ठीक है, हमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य समीक्षा का महत्व देता है। साहित्य समीक्षा का मतलब जानते ही होंगे आप लोग भाई, कि पत्र पत्रिका अखबार वगैरह पढ़कर जो दिया जाता है
उसी को हम लोग बोलते हैं साहित्य समीक्षा के रूप में, है ना। तो साहित्य समीक्षा का अगर महत्व के बारे में हम चर्चा पर चर्चा करें तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर अगर 15 का हम बात करें तो उपरोक्त सभी हो जाएगा कि यहाँ पे अनुसंधान के आधारों पर सिद्धांत भी होता है, अनुसंधानकर्ता को दिशा प्रदान करता है, साहित्य पद्धति के उचित चुनाव और संबंध में मार्गदर्शन भी करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट रहेगा साहित्य समीक्षा में। आगे अगर हम बात करते हैं, किस विद्वान ने कहा है कि उद्देश्य और परिकल्पना निरूपण के संदर्भ में अस्थायी परिकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक विधि का एक आवश्यक पद माना जाता है। तो मतलब ध्यान सुनिए, अस्थायी परिकल्पना है ना, अस्थायी परिकल्पना का निर्माण के लिए वैज्ञानिक विधि का भी आवश्यकता होती है। ये किस विद्वान ने इस बात को कहा है, तो यहाँ पे लुंडबर्ग और यंग का नाम आएगा, पीवी यंग करके जो आपने भी देखा था विद्वान का नाम, इन दोनों का नाम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप से किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया हो, और कह रहा है इसमें कि जिससे कि अन्वेषण को पथ प्रदर्शक प्राप्त होता है। परिकल्पना निरूपण के संदर्भ में किस विद्वान ने परिभाषित किया था, परिकल्पना की परिभाषा आ गई आपके सामने, और इसका सही जवाब अगर हम बात करें परिभाषा के लेकर तो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा गुड्डे एंड स्केटस का नाम, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि शोध अभिकल्पना का, तो अभिकल्पना का मतलब होता है डिजाइन, ना तो शोध अभिकल्पना का प्रकार नहीं होता। अब हालांकि पता होना चाहिए कि फिर इसके टाइप कौन कौन से हैं शोध परिकल्पना के, अगर आपको टाइप पता रहेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो ऐसे में पूछा है वो कौन सा नहीं है, तो 18 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा संकलन करने का, ठीक है। अनुभाविक एकरूपता और विश्लेषणात्मक चर और आदर्श प्रारूप, ये सभी के सभी जो होते हैं एक प्रकार के शोध की अभिकल्पना के टाइप के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको खास कर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभिकल्पना का महत्व तो कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो यानी इम्पोर्टेंस हमें बताना होगा, तो इम्पोर्टेंस में अगर हम बात करें तो एक देखो तथ्यों का संकलन करने में सहायक होगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करता है, ये भी बात सही हो जाएगी। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करता है, ये भी बात ठीक हो जाएगा, ठीक है। अध्ययन क्षेत्र में सीमित करना, ये भी बात हो जाएगी, ठीक है। सिद्धांत निर्माण में सहायक होना, ये भी बात हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंस है सारे के सारे, है ना, सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इसका ध्यान रखा करें खास कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट जवाब। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 20 के बारे में। नमूना का मतलब होता है एक प्रकार का सैंपल, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया है नमूना अभिकल्प निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है ना, तो इनकी विशेषताएं अगर आपको पता है तो ठीक है, फिर तो अदरवाइज नहीं तो गलत हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सारे के सारे होंगे, जैसे समग्र का सही प्रतिनिधित्व करना, जो है समुचित और पर्याप्त आकार होना, निष्पक्षता का गुण का होना, तो सारे के सारे होते हैं यहाँ पे विशेषता नमूना अभिकल्पना के, ठीक है। तो अभिकल्पना की अगर विशेषताओं के बारे में बात किया जाए, लक्षण वगैरह के बारे में बात किया जाए, तो समग्र का सही प्रतिनिधित्व करना, समुचित और पर्याप्त आकार के बारे में बात करना, निष्पक्षता का गुण का होना, साधनों का अनुरूप काम होना, है ना, और उद्देश्य के अनुकूल काम होना, इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सैंपल के आकार का निर्धारित करना, सैंपल की उपयोगिता की पद्धति का चयन करना, सैंपल के निर्धारित संख्याओं का चयन करना, है ना, समग्र का निर्धारण करना, सैंपल की इकाई को निर्धारित करना, ये सभी के सभी एक प्रकार के क्या होते हैं, उसके नमूना अभिकल्पना के विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा नमूना उपयोगिता नहीं है, यानी एक प्रकार से नमूना की उपयोगिता नहीं है। अब निदर्शन में उपयोगिता आपको जानना पड़ेगा कि भाई उपयोगिता है कौन कौन सी, पहली बात तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक देख लीजिए विस्तृत एवं गहन अध्ययन करना होता है, और एक होता है समग्र की जो होता है समय की बचत, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई क्या होता है वहाँ पे बचत, समय की बचत क्या होती है। जैसे सैंपलिंग के प्रयोग में, ध्यान सुनिए, अब वो प्रश्न यहीं से था जो अभी मैंने आप लोगों से पढ़ा रहा था, तनुजा मैम आप कह रहे थे कि सर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज टफ लग रही थी, तो देखो इसी का प्रश्न था। जैसे अगर मैं कहूँ सैंपलिंग के प्रयोग में शोधकर्ता के समय की बचत होती है क्योंकि इसमें सीमित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है,
जो अनुसंधान व्यक्तिगत प्रगति के होते हैं, जो एक उपागम के रूप में होते हैं, जो एक निश्चित अध्ययन के रूप में होते हैं, उसे समय की बचत कहते हैं। और समय की बचत जो है वो नमूना की उपयोगिता में आता है, प्रश्न था यहाँ पे नहीं होना। तो मैं बता दूं, डेटा सर्वेक्षण नहीं होता, बाकी देखिए विस्तृत अध्ययन होना और वैधानिकता का होना, निष्कर्ष की परिशुद्धता का होना, कम श्रम और शक्ति का होना, प्रशासनिक सुविधा का होना, निष्कर्षों की परिशुद्धता का होना, ये सभी के सभी जो है नमूना की उपयोगिता को बताते हैं, लेकिन ये डेटा सर्वेक्षण नहीं बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है आपका। आगे बात करते हैं, स्रोत के कितने श्रेणी में डिवाइड किया गया है। अब स्रोत है, रिसोर्सेज है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि एक प्राथमिक स्रोत होता है, एक द्वितीयक स्रोत होता है ना, नहीं बताया नहीं बताया है, बताएं आप लोग। अब ये प्राथमिक शोध क्या होते हैं और द्वितीयक शोध क्या होते हैं। प्राथमिक शोध में प्रत्यक्ष अवलोकन आता है, प्रश्नावली आती है, अनुसूची आती है, साक्षात्कार आता है, व्यक्तिगत अध्ययन आता है, प्रक्षेपणी विधि आती है, समाजमिति आता है, तो ये आपका प्राथमिक के अंतर्गत हो जाएगा। द्वितीयक शोध के अंतर्गत दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक को कहा गया था व्यक्तिगत प्रलेख और एक को बोल दिया गया था सार्वजनिक प्रविधि। जो व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत आता है वो जीवन का इतिहास आता है, आत्मकथा आती है, डायरी आती है, पत्र आता है। और जो सार्वजनिक रूप में था वो रिकॉर्ड आता है, रिपोर्ट आती है, सांख्यिकी आंकड़े आते हैं। तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात, अच्छा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा 22 का। 23 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों की उपयोगिता है। अब आंकड़ों की उपयोगिता के बारे में हमें चर्चा पर चर्चा करना होगा, है ना। तो आंकड़े के कौन कौन सी उपयोगिता के अंतर्गत रखे गए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यथार्थ शुद्ध और संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए, तो ये तो सत्य हो जाएगा। प्रशासन और नियोजन हेतु आंकड़ों की उपलब्ध होना जरूरी हो जाएगा। सूचनाओं का संकलन का होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे जो होगा वो डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आंकड़े की उपयोगिता के बारे में चर्चा पर चर्चा हुई थी इस प्रश्न में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं, आंकड़े जो होते हैं या अगर हम बात करते हैं डेटा या आंकड़े के प्रकार में शामिल किया गया है, तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़े तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो दो ही टाइप के होते हैं, एक मात्रात्मक होता है और एक आपका गुणात्मक होता है, ठीक है। दो टाइप के आंकड़े होते हैं, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े, प्लस में भौगोलिक आंकड़े, कल बताया था आप लोगों को कालक्रम संबंधी आंकड़े, ये भी आंकड़े होते हैं। अब गुणात्मक आंकड़े में क्या होते हैं, जहाँ पे लक्षण गुण विशेषताएं निर्धारित की जाती है वो गुणात्मक आंकड़े हो जाएंगे। और जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, जहाँ पर आप क्रमानुसार एक संख्या पर एक सहसंबंध का मापन कर रहे हैं वो आपका हो जाता है मात्रात्मक आकलन। भौगोलिक आंकड़े में आंकड़े क्या होते हैं भाई, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का समावेश होता है कि नहीं। किसी राष्ट्र और विभिन्न राज्यों की जनसंख्या को दर्शाने के लिए हम भौगोलिक आंकड़े का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए समावेश इसको बोल सकते हैं। और एक होता है कालक्रम, अब ऑप्शन में तो कालक्रम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जाने रहिए इसके बारे में भी कि ये जो किसी विशेष घटना के विभिन्न कालों को क्रमानुसार रखा जाए उसके हम बोलते हैं कालक्रमानुसार डेटा। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग खासकर ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से आंकड़े प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं है। अब देखो मैंने कई बार आप लोगों को बोल रखा है प्राथमिक आंकड़े में शामिल नहीं है, तो जरा आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। चले बताएं क्वेश्चन नंबर 25 का, राफिया मैडम का डी जवाब आ रहा है कि भाई लिखित परीक्षण नहीं था। ओके, तनुजा मैडम भी कह रही है लिखित परीक्षण नहीं था। ओके भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 का लगभग लगभग बच्चों ने जवाब दे रहे हैं डी की तरफ, लिखित परीक्षण नहीं है, तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे आ जाते हैं ना, अनुसूची, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रक्षेपण और उसके बाद समाजमिति, ठीक है। लिखित आंकड़े के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लिखित किस में आएगा, रिकॉर्ड रिपोर्ट यानी द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। सांख्यिक द्वितीयक सार्वजनिक प्रविधि के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक विद्वान की परिभाषा आ गई है डेटा संग्रहण को लेकर, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है कि प्रविधियाँ समाज एक वैज्ञानिक के लिए मान्य और सुव्यवस्थित तरीके से हैं, जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। डाटा संग्रह के संदर्भ में किस विद्वान की यह परिभाषा है। तो इस प्रश्न का अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो यहाँ पर प्रोफेसर मोजर का नाम आता है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इन्होंने इस परिभाषा को दिया था, ठीक है।
आगे अगर हम बात करते हैं कि तथ्य प्रक्रमण प्रक्रिया डैश कहा जाता है जो आंकड़े को नियमित रूप से संचालित कर रही होती है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? तो तथ्य प्रक्रमण और विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इसी को हम लोग कहते हैं डाटा प्रोसेस। अब सिंपल समझ लीजिए, डेटा प्रोसेस होता है। और डेटा प्रोसेस क्या होता है? किसी भी विषय के संबंध में तथ्य की जानकारी को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उसके विषय के संबंध में उसका विश्लेषण करता है। और जो तथ्य प्रक्रमण होता है वो अंतिम उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलते हुए उसको क्या करता है, एक प्रकार से अनुरूप के रूप में उपयोगी लाता है, यानी एक प्रकार से उपयोगी बना देता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो यहाँ पे जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का, वो क्या सही जवाब माना जाएगा? तो आपका डाटा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। भाई इसी का तो नाम है, इसी को तो बोला जाता है डाटा प्रोसेस। ठीक है, डेटा प्रोसेस बोला जाता है। तो डेटा प्रोसेस ही तथ्य प्रक्रमण होता है। वास्तविक चरण तथ्यों का विश्लेषण करता है और इसके जब विश्लेषण करता है बिना किसी विषय की घटना और कार्यकारण संबंध में व्याख्याओं को संभव तभी होता है। तो आप लोग कभी ऐसा ना सोचे डाटा विश्लेषण, तो डाटा विश्लेषण तो घटना और कार्यकारण संबंध में होगा। ठीक है, और व्याख्या करते समय ये संभव भी नहीं है, तो बेसिकली डेटा विश्लेषण नहीं होगा और ना ही डेटा वर्गीकरण होगा, ना ही डेटा प्रस्तुतिकरण होगा। तो प्रक्रमण का मतलब ही होता है प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा। तथ्य प्रक्रमण प्रक्रिया को हम लोग डाटा प्रोसेस कहते हैं जो आंकड़े के नियमित रूप से संचालित करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे बात करते हैं विषय वस्तु से संबंधित विचार को क्या कहते हैं? जो विषय वस्तु से संबंधित होगा, जो विषय वस्तु से संबंधित होगा, ठीक है, आप जरा मुझे बताएं विषय वस्तु से संबंधित जो होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब जो होगा वो संदर्भ लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? संदर्भ लेखन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर कि विषय वस्तु के संबंधित विचार को हम कहते हैं संदर्भ लेखन, संदर्भ लेखन बोलते हैं। तो यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला जो होगा यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन से संबंधित मूलभूत तथ्य है? तो देखिए ये प्रतिवेदन से संबंधित है क्वेश्चंस, है ना? किससे संबंधित है? प्रतिवेदन से संबंधित है। ठीक है, तो प्रतिवेदन के अंतर्गत अगर हम बात करें, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, लेखन से संबंधित है। तो ऐसी प्रतिक्रिया पे अगर हम चर्चा पर चर्चा आप लोगों से करें तो इसका सही जवाब जो होगा वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य की जानकारी देता है, प्रतिवेदन बनाने का ग्राफ के बारे में बताता है, अध्ययन की विधि के बारे में बताता है, उपरोक्त सभी बताता है। तो यहाँ पे करंट जवाब हो जाएगा प्रतिवेदन में उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जब कभी विषय वस्तु से संबंधित विचार होता है तो जिनका उपयोग करके शोध कार्य में बढ़ोतरी की जाती है, जहाँ तक समाज कार्य के संदर्भ शैली पर प्रश्न है, इसे ही शोध को हम प्रतिवेदन लेखन या उदाहरण या पैराफ्रेजियम के रूप में देखते हैं हम सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अब रिपोर्ट लेखन की अंतर्गत कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना जरूरी होता है। जैसे सरल भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है, भाई ये बात तो ठीक लग रही है। वैज्ञानिक विवेचना का होना जरूरी है, आवश्यक निष्कर्ष को निकालना भी जरूरी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो यहाँ पर जो होगा वैज्ञानिक विवेचना, आवश्यक निष्कर्ष और सरल भाषा, तो सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो डी वाला सही जवाब हो जाएगा। पैराफ्रेजियम का अर्थ क्या होता है? पैराफ्रेजियम का मीनिंग क्या बनता है? अभी मैंने आप लोगों से थोड़ा सा जिक्र किया था रिपोर्ट लेखन में पैराफ्रेजियम के रूप में देखा जाता है, तो किस रूप में देखेंगे पैराफ्रेजियम को जरा आप मुझे बताएं, पैराफ्रेजियम को किस रूप में आप लोग देखेंगे? ठीक है, तो पैराफ्रेजियम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अभिव्यक्त का एक तरीका होता है, एक अभिव्यक्त करने का एक तरीका होता है ना? ठीक है, वो पैराफ्रेजियम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। 31 का सही जवाब आप लोगों का पड़ेगा भी कि अभिव्यक्ति का अन्य तरीका होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और प्रश्न लेते हैं कि सांख्यिकीय शब्द की आधुनिक अर्थ में, देखिए अब ये सांख्यिकीय शब्द आ गया है, स्टैटिक्स है, आधुनिक जो है आधुनिक अर्थ का प्रचलन 18वीं सदी के सर्वप्रथम कौन से विद्वान थे जिन्होंने सांख्यिकीय शब्द के बारे में चर्चा परिचर्चा किया था? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सांख्यिकी शब्द आधुनिक अर्थ में प्रचलन 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम एक नाम था गॉटफ्राइड अकेनवाल, नाम नोट कर लीजिए गॉटफ्राइड, या इसी को कहते हैं गॉटफ्राइड अकेनवाल। ठीक, अकेनवाल,
तो इन्होंने 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द को जो है आधुनिक अर्थों में प्रयोग किया। और सांख्यिकी शब्द का प्रचलन सामान्य रूपों में देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, तो एक था एकवचन, एक था बहुवचन। तो बहुवचन का जो मतलब बनता था वो तथ्यों को लेकर बनता था, सामग्रियों को लेकर बनता था, मतलब टूल्स वगैरह को लेकर बनाया जाता था, जैसे व्यापार हो गए, राष्ट्रीय आय हो गया, है ना, वाणिज्य हो गया, आयात निर्यात हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम इसको प्रयोग में लाते थे। ठीक है, तो इन चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दो ही टाइप में डिवाइड किया गया था, इन्होंने बांटा था एकवचन बहुवचन के रूप में भी। सांख्यिकी अनुमान संभावित, संभावित का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का विज्ञान है। सांख्यिकी के संदर्भ में किस विद्वान ने परिभाषा दी है? ठीक है, तो ये भी परिभाषा जो है इजी है, सरल है, आप सब भली भांति तरीके से जानते भी होंगे शायद, अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोडिंगटन का नाम, बोडिंगटन का नाम कि सांख्यिकी अनुमान और संभावित विज्ञान है, ये बात इन्होंने कहा था। और अगर हम बात करें कार्नर का नाम, तो कार्नर भी थोड़े से फेमस थे, इन्होंने भी सांख्यिकी की परिभाषा देने में प्रकृति और सामाजिक समस्या के संबंध में माप और गणना को बता दिया था कि ये सांख्यिकी होता है। और किंग के बारे में बात करें तो इन्होंने भी बोला था गणना और अनुमान लगाना, डाटा को कलेक्ट करना, उसका विश्लेषण करना और सामाजिक घटनाओं का निर्णय तक ले जाना, ये किंग के अकॉर्डिंग ये परिभाषा हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। परिणात्मक पहलू पर संख्यात्मक रूप में विचार करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो रॉबर्टसन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा संभावित विज्ञान है, वो बोडिंगटन का नाम आएगा। ठीक है, बोडिंगटन का नाम आएगा, याद रखेंगे आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी की उपयोगिता नहीं होती है, तो सांख्यिकी की उपयोगिता के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, उपयोगिता सरल होती है, सरलता होती है, और संख्यात्मक स्वरूप होता है, तुलना होता है, सहसंबंध होता है, व्यक्तिगत और अनुभाविक ज्ञान में वृद्धि करना, ये भी एक प्रकार से उपयोगिता ही है सांख्यिकी का। ठीक है ना, नीति निर्माण में प्रतिप्रदर्शक के रूप में होना, भविष्य की पूर्वानुमान लगाना, सिद्धांतों की उपकल्पना की जांच करना, ये सभी की सभी जो है सांख्यिकी की उपयोगिता में आती है। लेकिन आप जरा मुझे बताएं, इस प्रश्न में कहीं मैंने आप लोगों से डाटा विश्लेषण बताया है? डाटा विश्लेषण सांख्यिकी की उपयोगिता नहीं है, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने उपकल्पना की जांच बताया है, है ना, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं है, यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 35 के बारे में कि सांख्यिकी सीमाओं को लेकर किस विद्वान ने परिभाषा दिया, तो मतलब कौन सा ऐसा विद्वान था जो सांख्यिकी की सीमाओं को लेकर अपनी परिभाषा दे दिया था। ठीक है, तो सांख्यिकी की सीमाओं को लेकर जब भी कभी इस तरीके का नाम आप लोगों को देखने को मिल जाए एग्जाम वगैरह में, तो आप कहना कि भाई क्रॉस्टन एंड काउडन की परिभाषा थी, जिन्होंने कहा कि सांख्यिकी सीमाओं को लेकर ये रिप्रेजेंट किया कि ये एक प्रकार की स्टैटिक्स है, ये एक प्रकार की स्टैटिक्स है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, सांख्यिकी अन्वेषण के दौरान अन्वेषणकर्ता का मतलब आप हैं शोधकर्ता को डैश चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से चरण हैं जो सांख्यिकी अन्वेषण के दौरान होकर हमें गुजरना पड़ता है, है ना, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि क्या ये कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जिसके वजह से आपको गुजरना पड़ता है। पाँच चरण आते हैं, कितने चरण आते हैं? पाँच चरण। और मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक तो आंकड़ा एकत्र करना होगा, एक चरण से इससे गुजरना पड़ेगा, एक उसके बाद होता है आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण होगा, एक इससे गुजरना पड़ेगा, एक आंकड़ों का निर्वचन होगा, इससे गुजरना पड़ेगा, एक आंकड़ों का संगठन होगा, इससे गुजरना पड़ेगा, एक आंकड़ों का विश्लेषण होता है। ये पांच ऐसे चरण है सांख्यिकी विश्लेषण के दौरान, शोधकर्ता हमेशा इन पांच चरणों से होकर गुजरता है। तो ये पांच चरण आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। कहता है कि वर्णनात्मक सांख्यिकी में अध्ययन किया जाता है, तो वर्णनात्मक सांख्यिकी आपको बता दूँ क्या है ये, तो एक प्रकार से जहाँ पे व्याख्या किया जा रहा हो, जहाँ पे बेसिकली विस्तृत जानकारी दी जा रही हो, तो विषय वस्तु का विश्लेषण करना, व्यवहारिक ज्ञान का विश्लेषण करना, शोध का विश्लेषण करना, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? वर्णनात्मक शोध। ठीक है, वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत डेटा संग्रहण करना, व्यवस्थित विश्लेषण के बाद व्यापक स्तर पर विषय वस्तु का विश्लेषण करना, डेटा के पैटर्न को इस तरह से इस्तेमाल करना कि निष्कर्षों का यादृच्छिक पर अनिश्चितता का कारण बन जाए एक प्रकार से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करें, पैरामेट्रिक टेस्ट के माध्यम से डैश के बारे में विस्तृत धारणा बनाई जाती है। तो अब ये देखिए, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक होता है। पैरामेट्रिक में जो होता है टी टेस्ट आता है, अनपेयर्ड टी टेस्ट आता है, अनपेयर्ड टी टेस्ट आता है। ठीक है,
कॉल्पियेशन का कोरिलेशन आता है और वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस आता है, जिसको आप एनोवा बोलते हो, तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आपको अगर हम बात करते हैं तो एक मन विटनी व्यू का टेस्ट आता है, और एक आता है आपका स्पीयरमैन का कोरिलेशन आता है। अच्छा, स्पीयरमैन का ध्यान रखिएगा नॉन पैरामेट्रिक में आता है, कॉल्पियेशन का पैरामेट्रिक में आता है, ठीक है। और इसी तरीके से तीन चार हैं, विल जो है विल्कॉक्सन का भी एक नाम आता है, रैंक में इन्होंने बात किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है। अब हमारा प्रश्न ये है कि बताइए पैरामेट्रिक टेस्ट के माध्यम से किसके बारे में विस्तृत धारणाएं बनाई जाती है, जनसंख्या के बारे में बनाई जाती है, तथ्य के बारे में बनाया जाता है, किसके बारे में बनाया जाता है, तो जनसंख्या के बारे में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये किसके माध्यम से बारे में बनाता है, जनसंख्या के बारे में बताता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि आंकड़े तथ्यों के वे समूह हैं जिन नॉन पैरामेट्रिक उसमें आ जाएगा ना, सैंपल में, नॉन पैरामेट्रिक सैंपल में, तो सैंपल में आपका पैरामेट्रिक भी आता है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक दोनों में आते हैं। आप जब हाइपोथेसिस बनाते हैं वहाँ पे, जब आप हाइपोथेसिस करेंगे तब आएगा, ठीक है। दोनों आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं केवल नॉन पैरामेट्रिक ही आए, दोनों आएंगे आपके, ठीक है। किस पे लगा रहा है, तो जनसंख्या सैंपलिंग में आएगा, तो आप जो समिष्ट वाला पॉपुलेशन है वहाँ पर आप कहेंगे। तो पॉपुलेशन वाला अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 2000 के लोग हैं, अब 2000 लोग हैं पॉपुलेशन है, यहाँ से मैंने कुछ लोगों को निकाला 10 लोगों, तो पैरामेट्रिक टेस्ट तो यहाँ पर भी लगाएंगे। और अगर 10 लोग यहाँ पर हैं काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस यहाँ पर भी लगा सकते हैं। छात्रों पर होता है टी टेस्ट, वो भी लगा सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जरूरी ये नहीं तो दोनों टेस्ट हम यूज आ कर सकते जाएगा हैं। नॉन पैरामेट्रिक में क्या आएगा सर, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किससे रिलेटेड है? नॉन पैरामेट्रिक स्पीयरमैन कोरिलेशन का है, स्पीयरमैन को जिसे श्रेणी का सहसंबंध है, ठीक है। मन विटनी का एक टेस्ट है, उसका भी नाम आ जाता है, ठीक है। और एक वेल्स टेस्ट करके था, उनका भी नाम आता है। विल एक नाम और था, विल्कॉक्सन रैंक दिया था उसने, रैंक का एक दिया था, तो रैंक परीक्षण था, रैंक परीक्षण भी नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, वो भी आ जाता है। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे विचार करना है आप लोगों को भाई, ये क्वेश्चन नंबर अगर 39 का है तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आंकड़ों और तथ्यों के समूहों के कारणों के पर्याप्त सीमा तक अप्रभावित करता है, नहीं प्रभावित करता, अप्रभावित थोड़ी ना करता है, तो प्रभावित करता है, ये गलत हो गया, आ लिख कर गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। आंकड़े संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर केवल बी वाला सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। पहला इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए और विचार करना है हमें। अच्छा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आंकड़ों के द्वारा जो है किसी भी विषय के संबंध में यथार्थ शुद्ध और संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है, क्या ये बात सही है, तो आप क्या बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कि भाई सही है। और अगर आप कहें कि आंकड़े क्षेत्र के विकास से संबंधित परियोजनाओं को सफलता सही आंकड़ों के संकलन पर निर्भर करती है, तो ये भी बात ठीक है, सफलता पर सही निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अभी मैंने आपको 8 चरण के बारे में बताया है, तो यहाँ पर आपको मैच करना है, तो कैसे मैच करोगे आप, मैच करके बताइए जरा मुझे। क्वेश्चन नंबर 41 का अगर आपको मैच करना है तो कैसे मैच करेंगे, तो आपको मैं कहूँगा कि प्रथम होता है समस्या का चुनाव, अब आप देख लीजिए पहले का जो मिलेगा उसी को आप लगा देना, ठीक है। अब आप देख रहे हैं पहले का एक में डी लगा हुआ है, इसी को मिला दो, या तो आप आगे अगर देखें तो साहित्य समीक्षा दूसरे नंबर पर आ रही थी, मैंने आपको बता रहा था यहाँ पर, तो ये दूसरे नंबर पर लगा दीजिए। तीसरे के बारे में बात करें तो शोध को स्पष्ट कर रहा था उद्देश्यों को, और चौथे नंबर पर हाइपोथेसिस को स्पष्ट कर रहा था, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कॉमन सेंस का प्रयोग करना, याद थोड़ी कोई चीज़ होती है किसी को, ठीक है, हमें बस थोड़ा सा यूज करना है बस शब्दों का, थोड़ी कीवर्ड्स को पकड़ने हैं, उसके बाद तुरंत ऑप्शन पर लगा देने हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शोध पर विचार करें, शोध संबंधित तथ्यों का वर्णन करिए या निष्कर्ष के बीच में अंतर स्पष्ट का विश्लेषण कहते हैं, क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को, बताइए एक बार, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है कि शोध के संबंध में तथ्यों का विश्लेषण और निष्कर्ष के बीच में जो है अंतर स्थापित करना एक प्रकार का विश्लेषण कहलाता है, बात ठीक है। परिमार्जन आंकड़ों का विश्लेषण करने का एक चरण है, ना ना ना, कभी आपको मैंने बताया कि परिमार्जन के अंतर्गत होता है आंकड़ों का विश्लेषण,
कहीं नहीं, मॉडिफिकेशन में क्या करना भाई, मॉडिफिकेशन तो व्यवहार में किया जाता है, मॉडिफिकेशन तो कहाँ किया जाता है भाई। आप बी गलत क्यों लगा रहे हैं, सी क्यों लगा रहे हैं प्रदीप जी? क्वेश्चन नंबर 42 का आप सी क्यों लगा रहे हैं? परिमार्जन आंकड़ों का विश्लेषण का एक चरण है, ये कहाँ आपने सुना कि परिमार्जन, परिमार्जन व्यवहार का करने में। अगर हाँ, अगर आप कहते हो कि भाई आंकड़े जो होते हैं वो विश्लेषण का एक चरण होता है, या आप ये कह लेते कि शोध भी एक प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण का चरण है, तो फिर तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका केवल केवल पहला वाला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 43 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जरा। विश्लेषण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद कार्यकर्ता निर्वाचन की तैयारी करता है, क्या ये बात सत्य लग रही है आप लोगों को? 43 का अगर हम सही जवाब की बात करें तो बिल्कुल लग रही है कि विश्लेषण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद कार्यकर्ता जो होता है निर्वाचन की तैयारी करता है, ये बात ठीक होता है। लेकिन आंकड़ों का समाधान प्रथम चरण नहीं, देखो आंकड़ों का संसाधन, आंकड़ों का संसाधन पहला चरण नहीं, पहला चरण तो वो है समस्या की पहचान करना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट। अब यहाँ पर मैच करिए जरा, प्रथम के अंतर्गत क्या चीज़ें आएगी, क्या प्रथम परिमार्जन होगा, पर्यवेक्षण होगा, संपादन होगा कि परीक्षण होगा, क्या? अगर देखो हाइपोथेसिस होता, क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 की बात कर रहे हैं, अगर हाइपोथेसिस होता तो हम लोग क्या करते, परीक्षण की तरफ बढ़ते, परीक्षण की तरफ बढ़ जाते पहले चरण को लेकर। लेकिन ये नहीं है, ये गलत है, ये है नहीं, क्योंकि ये ऐसा कुछ प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न हमें मैच करना है किससे किससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो अगर सही जवाब की तरफ अगर हम लोग चले, तो प्रथम में आपका आएगा पर्यवेक्षण में, ठीक। अब पर्यवेक्षण में देखिए आपका या तो आपका बी होगा या तो आपका सी होगा, ठीक है। और द्वितीय चरण में अगर आपका बात करें तो ये होता है परीक्षण दूसरे चरण में। तीसरी चरण के अगर बारे में बात करें तो ये होता है परिमार्जन। चौथे चरण के बारे में बात अगर हम लोग करें तो ये होता है संपादन। लास्ट में क्या होता है, एडिटिंग होता है ना, एडिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, संपादन बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। राफिया मैडम गलत जा रहे हो आप, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ। आगे बात करते हैं पर्यवेक्षण। देखो हमने अभी देखो वही प्रश्न है, प्रथम चरण में क्या था, द्वितीय चरण में क्या था, तृतीय चरण में क्या था, ये आप लोगों ने पहले वही उसी वाले प्रश्न है। अब उस प्रश्नों की व्याख्या हो रही है यहाँ पर, है ना। तो पर्यवेक्षण क्या होता क्या है, अगर 45 के बारे में अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो 45 में तो पर्यवेक्षण किसको कहते हैं हम लोग? पर्यवेक्षण के बारे में बात करें तो आंकड़ों को विशिष्टता का अवलोकन कहलाना एक प्रकार का पर्यवेक्षण कहलाता है। ये प्रथम हो जाता है, सॉरी ये आपका तृतीय में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम परीक्षण के बारे में बात करें, परीक्षण क्या है आपका, परीक्षण क्या था, परीक्षण आपका द्वितीय चरण पे था, ठीक है, परीक्षण आपका द्वितीय चरण पे था, ठीक है। तो द्वितीय चरण पे क्या हो जाएगा आपका, बताएं परीक्षण किस पे आ जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 45 का आप बताएंगे तो आप कहेंगे भाई ये अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता करता है परीक्षण, ठीक है। और परिमार्जन क्या करता है, और परिमार्जन क्या करता है, परिमार्जन क्या करता है आपका, तो परिमार्जन आपका क्या करेगा, आपका पूर्वावलोकन कहलाता है, और संपादन गुणात्मक सुधार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा सही हुआ, एक का ये, यानी आप यहाँ पर कहेंगे कि सेकेंड वाला सही जवाब हो जाएगा। 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा 44 45 दोनों प्रश्न जो थे सिमिलर थे, मिलते जुलते थे, कोई टफ प्रश्न नहीं था। आगे अगर हम बात करते हैं सैंपल को लेकर, तो प्रतिदर्श या निदर्शन सैंपलिंग को कहते हैं हम लोग। विस्तृत समग्र का लघुत्तर एक प्रतिनिधि होता है, लघुत्तर एक प्रतिनिधि होता है। तो सही जवाब इसके बारे में अगर हम चर्चा पर चर्चा करें तो ये सही जवाब है, समग्र का एक लघुत्तर प्रतिनिधि होता है सैंपलिंग। और सैंपलिंग में समग्र का वह भाग है जिसका चयन हम जांच पड़ताल के उद्देश्य से करते हैं, ये भी बात ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 47 के बारे में, 47 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निदर्शन से प्राप्त परिणाम समस्त समग्र पर लागू होता है, क्या ये बात ठीक लग रही है? बिल्कुल ठीक है, निदर्शन जो होता है प्राप्त परिणाम और समस्त समग्र पर लागू होता है। सैंपलिंग कहाँ करते हैं, पूरे पे करते हो ना, पॉपुलेशन पे, उसी पे तो निकालते हो 10 लोगों को, तो इसलिए ये सही है। संभावित और असंभावित च अद्वय निदर्श के तीन प्रकार, ये देखो तो कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है कि निदर्शन के तीन प्रकार, निदर्शन के तीन प्रकार मैंने बताया कभी भी? मैंने दो ही प्रकार बताया ना, एक प्रोबेबिलिटी बताया एक नॉन प्रोबेबिलिटी बताया। कब मैंने आप लोगों को बताया भैया कि च, चा का मतलब होता है, देखो संस्कृत यूज कर रहा है,
अद्वय, तो चा अद्वय तो है ही नहीं कोई सैंपलिंग, तो इसलिए आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर केवल पहला सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहला वाला सही जवाब हो जाएगा आप सबका, ठीक है। प्रदीप जी सी जवाब दे रहे, भाई कहाँ से, मैंने आपको कभी बताया नहीं सैंपलिंग तीन टाइप के होते हैं, है ना, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 48 में अगर हम बात करें तो अनुसंधान को न्यूनतम प्रयास लागत और समय के साथ संचालित करने हेतु प्ररचना का निर्माण अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत सरल है कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, ठीक है। लागत समय और संचालित करने के लिए उसके रचना पर निर्माण करना अति आवश्यक होता है शोध में, तो न्यूनतम प्रयास यही होता है हमारा कम से कम में। और अनुसंधान प्रश्नों का मौलिक उत्तर प्रदान करना प्ररचना का उद्देश्य नहीं होता। देखो भाई यहाँ पर नहीं कर दिया, अगर नहीं होता तो होता, प्रश्नों का और मौलिक उत्तरों को प्रदान करता है तभी तो रचना बनती, तभी तो उसका उद्देश्य होता है, तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये गलत हो गया आपका। पहला वाला सही जवाब है केवल, ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल केवल यहाँ पर 48 का ए वाला करेक्ट जवाब रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, बिल्कुल सही जवाब प्रदीप जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कुछ और प्रश्न पर हमें विचार करना होगा। कि पहला कह रहा पॉइंट की जो त्रुटि होता है वो प्रसरण पर नियंत्रित होता है, प्ररचना के उद्देश्य में से एक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का बिल्कुल सही जवाब है कि जो एरर्स होते हैं वहाँ पर प्रसरण पर नियंत्रण करना, प्रसरण का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, वेरियंस होता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरियंस के बारे में, प्रसरण का विश्लेषण करना, प्रसरण वही होता है, वेरियंस होता है, आप वेरियंस मतलब चर वगैरह को समझ सकते हैं, ठीक है। प्रसरण तो प्रसरण का नियंत्रण होता है, चर वगैरह पे नियंत्रण, त्रुटि पे चर का नियंत्रण होता है, और प्ररचना का उद्देश्य में से एक माना जाता है, ये सही बात है। और आंकड़ों का वर्गीकरण के लिए उचित श्रेणी का चुनाव करना और प्ररचना का अंग माना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 49 की ये भी बात ठीक है, दोनों के दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे आंकड़ों का वर्गीकरण उचित श्रेणी में चुनाव होना, इसीलिए तो किया जाता है वर्गीकरण की उचित उचित जो श्रेणियाँ हैं, कैटेगरीज हैं, उसको डिवाइड किया जा सके, उसकी रचनाओं के बारे में बात किया जा सके, तो यह एक प्रकार का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो आपके सामने एक है आंकड़ों और तथ्यों की संख्यात्मक विवरण है, इन्हें परस्पर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वे राज्य को प्रशासन से संबंधित तथ्य हैं। तो बताओ इसमें से 50 का सही जवाब क्या होना चाहिए, क्या इनमें से कोई सही लग रहा है आपको कि आंकड़े तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है, आंकड़े जो है संख्यात्मक, आंकड़े तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है, बात ठीक है गलत, सही लग रहा है ये तो। और इन्हें परस्पर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परस्पर रूप में भी, वे राज्य प्रशासन से संबंधित तथ्य हैं। देखो वे राज्य और प्रशासन से संबंधित तथ्य, ये आपका मैं बता दूं यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन में मत जाइएगा, ऑप्शन गलत आ गया है आप सभी में, ठीक है, ऑप्शन आप सभी में गलत आ गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, आंकड़े जो होते हैं तथ्यों की संख्यात्मक विवरण कर देते हैं, बात तो ठीक है, ऐसा हम कहते हैं, सही सही है, क्योंकि एग्जैक्ट इसने बताया नहीं ना कि मात्रात्मक है गुणात्मक है, गुणात्मक होता तो फिर तो नहीं होता, मात्रात्मक होता तो होता, क्यों नाम नाम ही नहीं दिया है इसने, तो ये बात तो ठीक है, ये तो सही है आपका। और परस्पर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी बात ठीक है, लेकिन केवल राज्य और प्रशासन के संबंध में ही तथ्य हो तो ये गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन में मत जाइएगा, यहाँ पर ए और बी सही होगा, थर्ड वाला गलत हो गया है ना यहाँ पे इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि सामाजिक, निम्नलिखित तथ्य पर विचार करिए जरा। आंकड़े के प्राथमिक स्रोत में वर्तमान सामाजिक दशा से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, क्या ये बात ठीक लग रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक लग रही है। प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वर्तमान सामाजिक दशा के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, जैसे प्रत्यक्ष अवलोकन क्या है, प्रश्नावली क्या है, अनुसूची क्या है, समाज मिति क्या है, ये सारी की सारी उसी के अंतर्गत आएंगे। और वही द्वितीय स्रोत के बारे में बात करें, सामाजिक संस्था में, अब सामाजिक संस्था क्या करती है भाई, वही तो रिपोर्ट वगैरह बनाती है, इतिहास बनाता है, इतिवृत्ति व्यक्ति का बनाता है, बात तो ठीक है, संबंध में आंकड़े प्राप्त होता है, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा। बहुत सरल प्रश्न था ये, बहुत सरल प्रश्न था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। सामाजिक शोधकर्ता की रुचि होती है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, जरा अपनी रुचि बताओ आप लोग, क्या क्या रुचि होगी आप सबकी, अपनी रुचि बताइए, आप अपनी रुचि बताएं। क्या निदर्शन का आकार की समस्या, देखो आप यहीं पर देख लीजिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया कि सॉरी यार, यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन 52 का है ना, समस्या प्रक्रियाओं की खोज करना और विवेचना करना, तो समस्या सामाजिक
सामाजिक प्रक्रियाओं की, सोशल प्रोसेस की खोजना और उसकी विवेचना करना। क्या ये बात सही लग रही है? बताएं। बिल्कुल सही है। अब बताइए जरा, सामाजिक सुधार का प्रयास करना। सामाजिक सुधार थोड़ी ना, देखो ये सोशल रिसर्चर है, अब प्रश्न है रिसर्चर की, तो आप लोग सोच रहे होंगे सामाजिक सुधार करना। भाई सामाजिक सुधार थोड़ी, वो रिसर्चर थोड़ी है, रिसर्चर का काम होना चाहिए ना, रिसर्चर के बारे में पूछा है, तो इसलिए आपका ये काम पहला सही है। सामाजिक घटनाओं की प्रवृत्ति के बारे में भी सत्य है, तो ऑप्शन आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड वाला पहला और तीसरा सही रहेगा, ठीक है? आपकी रुचि इसमें है, ठीक है? सामाजिक सुधार वगैरह प्रयास थोड़ी करो, आप रिसर्चर हो, जब समाज कार्य के बारे में पूछता तब आप सोचते वहां पर, ठीक है? तब आप उसके बारे में सोचते। निदर्शन की समस्या निम्नलिखित में से विचार करिए जरा। निदर्शन का मतलब क्या होता है? निदर्शन की आकार की समस्या कैसी होनी चाहिए, बताएं आप लोग। तो आप लोग क्या कहेंगे भाई, निदर्शन की समस्या से संबंधित विचार, तो निदर्शन का आकार समस्या है, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ है भाई कि उसका आकार समस्या है? अब आप चाहो तो इसमें से 2,000 हैं, तो चाहो तो दो ही लोग को लो, तो ये समस्या है आपके लिए। अब बताएं, इसमें से चाहो तो 200 लोग लो, तो इसमें से समस्या है ये आप लोगों के लिए, तो निदर्शन का आकार समस्या बता रहा है, तो ये गलत हो गया। अब हम आगे बात करते हैं अभिनति निदर्शन की समस्या। अभिनति निदर्शन की समस्या कहने का मतलब ये हुआ एक प्रकार से कि जो पक्षपात वगैरह होता है, जो भेदभाव वगैरह के बारे में एक बार एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक प्रकार की यहाँ पे विचार करें तो ये एक प्रकार की समस्या है निदर्शन की, तो ये बात सही हो जाएगी आपकी। और उसके बाद समानांतर निदर्शन अगर रहेगा तो भी समस्या होगी, क्योंकि भेदभाव पक्षपात यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये समस्या के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसलिए आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा और तीसरा सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है? बाकी निदर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत रहेगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि आंकड़ों का संकलन व्यवस्थित ढंग से पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संभव होता है, तो क्या ये बात सही लग रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत लगेगी, क्योंकि आंकड़ों का जो संकलन कर रहे हैं वो व्यवस्थित ढंग से पहले पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संभव था। तो भाई बताइए, बिना अप्रत्यक्ष अवलोकन किए हुए, बिना डेटा लिए हुए, आप कैसे ये निर्धारित कर सकते हो कि ये सही होगा सब कुछ, है ना? ऐसे में तो ये जाना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो आंकड़ों का संकलन के दौरान व्यवस्थित ढंग से पहले से ही निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संभव होता है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत जवाब है आपका, ठीक है? आगे अगर बात करें भौतिक आंकड़ों का, जहाँ उपेक्षा की जाती है, सामाजिक आंकड़ों का संकलन और प्रमाणन का कटना कठिन होता है। हाँ ये बात सही है, भौतिक आंकड़े करते समय या सामाजिक आंकड़े को संकलित करते समय ये उसको प्रमाणित करना या कलेक्शन करना कठिन कार्य है, तो इसलिए आप केवल दो रो लगाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर केवल केवल बी होगा यहाँ पर। और प्रश्न पर विचार करिए जरा, ये प्रश्न सारे के सारे विचार वाले हैं और अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फिर कह रहा है सार्वजनिक प्रलेख दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशित होता है, अप्रकाशित होता है, तो क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं कि प्रकाशित और अप्रकाशित होना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। अभी मैंने बताया था एक व्यक्तिगत प्रलेख होता है, एक सार्वजनिक प्रलेख होता है, तो प्रलेख के अंतर्गत हालांकि रिपोर्ट रिकॉर्ड ये सब आते ही आते हैं, साथ ही साथ अप्रकाशित और अप्रकाशित उसी में आते हैं, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। और अप्रकाशित जो सार्वजनिक प्रलेख में आता है वे रिकॉर्ड होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। देखो यहाँ पे शुद्ध साबित कर दिया इसने, इसने बता भी दिया यहाँ पर। और जो कंपनियों और सरकारी दफ्तरों के द्वारा दिन प्रतिदिन सहकारी के लिए सुरक्षित करता, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही रहेगा, एक और दो दोनों सही यहाँ पर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जरा, सामाजिक कार्य शोध के विभिन्न चरणों का एक क्रमबद्ध श्रृंखला है और इन चरणों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही बात है, गलत बताइए जरा आप लोग। 56 का कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं भाई, समस्या की पहचान कर लिया तो फिर उसके बाद विषय का चयन कर लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है? इस तरीके की क्रियाविधि स्टेप बाय स्टेप चलता है, और मैं यही तरीका बता रहा था आप लोगों को याद करने के लिए, तो ये बात सही है, देखिए किताब में लिखा हुआ है ना। आगे अगर हम बात करते हैं कि शोधकर्ता को शोध हेतु ऐसे समूह और समुदाय क्षेत्र संबंधित समस्या का चयन करना चाहिए जिसमें शोधकर्ता अवधि के दौरान लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। अरे भाई इसमें क्या मजा आएगा बताओ जरा आप लोग, ये तो गलत लिख रहा है, पूरा का पूरा गलत है ना, बताएं जरा, पूरा का पूरा गलत है ये भाई। जहां परिवर्तन हो रहे हैं वहां पर क्यों करना, शोधकर्ता ऐसे क्षेत्रों को क्यों चयन करना परिमार्जित जहां पे होते रहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर केवल केवल यहां पर पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 57 के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जरा। अच्छे प्रश्न वही होते हैं जो सामाजिक आदेशों का उल्लेख ना कर व्यवहार व्यवहार का ही उल्लेख करें। क्या ये बात ठीक लग रही है आप लोगों के लिए? आप क्या बताने वाले हैं बताएं जरा एक बार, कि अच्छे प्रश्न वही होते हैं जो किसी आदेश का उल्लेख ना करें व्यवहार का उल्लेख करें। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन आपका एक पहला सही हो गया। प्रश्नावली का प्रयोग दुरूह, दुरूह का मतलब एक प्रकार से दोहरापन, और विशिष्ट शोधों के लिए किया जाता है, तो ऐसी क्रियाविधि गलत हो जाएगी। प्रश्नावली कहाँ दूर हो, तो एक व्यक्ति के लिए होती है, बनाई जाती है ना, आपके लिए थोड़ी, आप बना रहे हो किसी के लिए, क्या आपके लिए वो क्लाइंट बना रहा है आपके लिए प्रश्न, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल केवल 57 का ए वाला सही माना जाएगा, है ना। 50 अब देखिए 58 से लेकर 62 तक के ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तरफ कथन लिखा रहता है एक तरफ कारण लिखा रहता है। कथन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कारण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग समझ जाना, अगर ऑप्शन ए को देंगे जवाब तो ए और आर दोनों सही होगा वहाँ पे, और आर ए की व्याख्या कर रहा होगा। दूसरा ऑप्शन कहेगा कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं हुई, तो पहले वाले में व्याख्या होगा, दूसरे वाले में व्याख्या नहीं होगा। तीसरे वाले में ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा, और चौथे वाले में ए गलत हो जाएगा और आर सही रहेगा। तो ये चार ऑप्शन मिलेंगे। अभी आप जरा से करिएगा इस प्रश्न को। सामाजिक शोध को व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगितावादी कहा जा सकता है, क्या ये बात सही है बताएं एक बार। 58 का बिल्कुल यहाँ पे आप कहेंगे ये सही है, तो आप यहाँ पे अभी अभी आपने ए को ऑप्शन पे नहीं गए, अभी आर पढ़ेंगे हम लोग। सामाजिक शोधों से प्राप्त सूचनाएं जो होती हैं सामाजिक नीति निर्माण जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायक हो सकती है। तो देखिए जरा, सामाजिक शोध से प्राप्त जो भी सूचना होगी वो नीति निर्माण और जीवन की गुणवत्ता और सुधार के लिए सामाजिक समस्याओं को समाधान में सहायक नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसलिए आप तो इस बात से सहमत हो गए हैं कि ए भी सही है और आर भी सही है। अब आपको दिक्कत ये आ रही है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं व्याख्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये देखो सामाजिक शोध के व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा हो रही है कि जीवन की गुणवत्ता और सुधार को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर, तो इसलिए इस प्रश्न को व्याख्या कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। या तो आप ऐसे प्रश्नों में लास्ट में क्योंकि लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे ध्यान से सुनिए। सामाजिक शोध की व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगितावादी कहा जा सकता है क्योंकि सामाजिक शोधों से प्राप्त सूचनाएं सामाजिक नीति निर्माण की जीवन गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है या सहायता हो सकती है, तो बात सही है। देखो सेंटेंस सही बैठ रहा था इस वजह से जब व्याख्या हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं हम लोग कि शोध में तथ्य संकलन का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है कि जब भी शोध करते हैं तो उसमें आंकड़ा संकलन करने का एक कार्य होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आंकड़े आएंगे नहीं तब तक मज़ा कहाँ से आएगा शोध करने में। फिर कारण कह रहा है कि जब आंकड़े आपने ले लिए हैं, संकलित कर लिए हैं, तो अनुसंधान में वस्तु स्थिति निर्भर करती है जिस प्रकार के तथ्य होंगे, निष्कर्ष भी वैसा ही होगा। बात तो ये भी सत्य है, तो यानी आप इस बात से सहमत हैं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब बात रही कि भाई व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही, तो ऐसे में या तो क्योंकि लगा लीजिए, या तो आप ये सोच लीजिए कि तथ्य संकलन के कार्य महत्वपूर्ण बताया जा रहा, फिर उतनी तथ्य संकलन के बारे में भी चर्चा परिचर्चा भी हो रही है, तो इसलिए आपकी यह व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पर ए सही रहेगा। आज का ये लास्ट प्रश्न ले लीजिए आप लोग, कल मैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 7 करवाऊंगा, इसे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी इसकी PDF मैं अभी आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ऐसे प्रश्नों को एक बार देख लेना आप सभी लोग, इसके नीचे आंसर की भी दिया हुआ है, ठीक है। 60 क्वेश्चन है ये कि वर्गीकरण के तथ्यों का विश्लेषण करना सरल हो जाता है, ए आपसे कह रहा है। आर कह रहा है कि वर्गीकरण से पूर्व तथ्य जो होंगे बिखरे रहते हैं जिससे तथ्य के विश्लेषण संभव होना नहीं है। तो देखिए जरा इस प्रश्न का पैटर्न समझिए कि वर्गीकरण तथ्यों का विश्लेषण करना सरल होता है, बात तो ठीक है, जैसी समस्या मिलेगी उसी के आधार पर हम लोग व्याख्या करते हैं, ये बात ठीक है। फिर कहता है वर्गीकरण से पहले जो होते हैं जो तथ्य बिखरे रहते हैं उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करना संभव नहीं होता। अब जो तथ्य ऑलरेडी पहले बिखरे रहेंगे उनको कैसे संकलित कर सकते हो आप लोग, तो उनको करना तो भाई एक प्रकार से कठिन होगा, तो इसलिए ये भी बात सही है। और यहाँ पर बात हो रही है तथ्यों का विश्लेषण को लेकर, जिसको बताया जा रहा है वर्गीकरण में, तो वर्गीकरण के लेकर रिप्रेजेंट यहाँ पर भी किया जा रहा है, या उसके तथ्यों का विश्लेषण यहाँ पर भी किया जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो इसकी व्याख्या भी हो रही है,
या तो आप क्योंकि लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी व्याख्या भी होगी। ठीक है, तो मैं आज यहीं तक करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कल इसी के जो है हम लोग यूनिट नंबर 7 देखेंगे मेडिकल सोशल वर्क का। ठीक है, यूनिट नंबर 7 देखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ से जो बचे हुए प्रश्न हैं आप लोग कर लेना। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करना या इंडिविजुअल भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, जैसी मर्जी आप लोगों की। ठीक है, मैं आपके जो डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए।